सांप के नाम से ही लोगों के मन में डर और दहशत होती है। आज भी बहुत से इलाकों में सांपों को देखते ही लोग उसे मार डालते हैं, जिसकी वजह से साल भर में न जाने कितने सांपों का अंत होता होगा। सांप को देखते ही मार डालने वाले हम लोग साल में एक दिन यानी नाग पंचमी के दिन इन्हीं सांपों की एक प्रजाति नाग की पूजा करते हैं। सांप को देखते ही मार डालने वाला इंसान आखिर नाग पंचमी के दिन ही नागों की पूजा क्यों करता है? इसके पीछे हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देव देवताओं की भूमि हमारे भारत देश में सांपों को देवी देवताओं का दर्जा दिया जाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वासुकी, तक्षक, कालिया आदि नागों का जिक्र हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। भारत में मौजूद नाग जाति को इन्हीं का वंशज माना जाता है। महाराष्ट्र में नागपंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर झूला बांधकर लड़कियां और महिलाएं झूला झूलती है। दिन भर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर महिलाओं द्वारा घर की साफ सफाई की जाती है और उसके बाद स्नान करके घर के दरवाजे पर या पूजा स्थल पर गाय के गोबर तथा पवित्र मिट्टी से नाग बनाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सांपों एवं नागों का बसेरा धरती के अंदर होता है। इसी स्थान को पौराणिक कथाओं में नागलोक कहा जाता था। इस दिन जमीन खोदने का मतलब उनके घर पर हमला करने जैसा होता है। इस जगह को नागों का घर माना जाता है, जिसे मराठी में वारुल, हिंदी में दीमक का टीला और इंग्लिश में टर्माइट माउंट के नाम से जाना जाता है। नागपंचमी के दिन इस जगह का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया जाता है और नागों का आह्वान किया जाता है। इसी जगह पर अष्ट नागों का आह्वान करके उन्हें पूजा जाता है। इस टीले से नाग बाहर निकलने पर उस नाग को दूध पिलाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नागों को दूध से स्नान कराने को कहा गया है, लेकिन हम स्नान कराने की बजाय उन्हें ढेर सारा दूध पिलाते हैं। दोस्तों, कुदरत ने हर जीव के लिए भोजन निश्चित किया है। ठीक वैसे ही नागों का भोजन चूहे, मेंढक आदि होते हैं, जिसका शिकार करके नाग अपना पेट भरता है। सांपों के पेट में दूध को पचाने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते है, इसलिए नाग दूध को पचा नहीं पाता है, जिसके चलते वो बीमार होकर मर भी सकता है। इसलिए नागों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार नागपंचमी के दिन नाग का पूजन करने से नाग देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होकर खुशहाली आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी इस दिन नाग देवताओं की पूजा और रुद्राभिषेक किया जाता है। दोस्तों, सांपों की जितनी मर्जी उतनी पूजा करे, लेकिन उन्हें कतई दूध न पिलाए। अगर कोई सांप को दूध पिलाते दिखाई देता है तो उसे अवश्य रोके। सांप हमारे इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी किसी मुसीबत में गिरा सांप दिखाई देता है तो अपने नजदीकी सर्पो मित्रों को कॉल करके बुलाएं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जय हिंद।